दुनिया का अंतिम गांव कह सकते हैं आप मेरा गांव जो सुतोल है। ये हिमालयी भूभाग देख सकते हैं आप, हमारी वादियाँ चारों तरफ बहुत ही सुंदर वादियाँ, और यहाँ से आगे कोई भी गांव नहीं है, ये अंतिम गांव है। और यहाँ पे थोड़ी सी नेटवर्क की प्रॉब्लम है, नेटवर्क एक ही जगह पर आता है, यानी ये वाले एरिया पर पूरा नेटवर्क आता है। तो यहाँ पर मैं आपको लोगों को दिखाता कितने लोग यहाँ पर नेटवर्क पर आते हैं। तो यहाँ पे हैं ये सब लोग नेटवर्क पे आए हुए। देखा जाए तो गांव में आजकल सेब की फसल काफ़ी हो रही है, और सेब में रस भरना स्टार्ट हो चुका है। दिखाता हूँ आपको यहाँ पर कुछ सेब के पेड़ अपने, तो ये देखिए आजकल सेब इतने बड़े हो चुके हैं, इनमें अब रस भरना स्टार्ट हो चुका है, और इनमें कुछ महीने बाद ये पक जाएंगे। और इधर पूरा बगीचा हमारा सेब का है पीछे, गांव में आजकल फलों का सीज़न काफ़ी हो चुका है, और फल आपको पता है कि आजकल गांव में काफ़ी ज़्यादा लगे हुए हैं। और यहां पर देखिए आप, ये है आपका अखरोट, और अखरोट भी काफ़ी बड़ा हो चुका है, कुछ महीने में इसे खाने का जो लायक है वो हो जाएगा। अखरोट का मात्र 2 महीने बचे हैं, 2 महीने बाद आप इन्हें खा सकते हैं। और इनमें 2 महीने आलू की फसल, और आलू की फसल आजकल अब खाने लायक हो चुका है। ये मेरे पीछे हैं आड़ू के पेड़, और आड़ू की फसल इस बार बिल्कुल भी गांव में नहीं है। आड़ू का पेड़ देख सकते हैं आप, इस बार एक भी आड़ू आपको गांव में लगा हुआ नहीं मिलेगा। हमारे गांव में ऐसा हुआ या सब गांव में ऐसा हुआ है, इसका मुझे अभी तक कोई आइडिया नहीं। चली जो लचा को रा डांडा चली जो लचा
लगी।